दिल्ली में मॉनसून का इंतजार जारी है और दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से लगातार चल रही लू ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली NCR इन दिनों भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। चिलचिला देने वाली धूप के साथ ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। गुरुवार को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 90 साल के बाद गुरुवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को दिल्ली में दर्ज किया गया दिन का अधिकतम तापमान साल 2012 के बाद जुलाई महीने में सबसे ज्यादा रहा। सफदरजंग मौसम केंद्र के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि जुलाई महीने में नॉर्मल माना जाता है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD की माने तो साल 2012 और 1987 दोनों में 2 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिन का न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली में मानसून पहुंचने में देरी हो सकती है। 7 जुलाई के बाद ही मानसून राजधानी में पहुंचेगा। तब तक दिल्ली वालों को गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने होंगे। मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्म लू चल रही है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। वहीं दिन का तापमान क्षेत्र के सामान्य अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। विभाग ने कहा है कि आज दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ लू से भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बारिश के बाद तापमान 1-2 डिग्री तक कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।